स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टैटिक जीके जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेगा, चाहे आप यूपी पेट का पेपर देने जाएं, चाहे आप सेंट्रल लेवल का जो सीईटी होने जा रहा है उसके लेकर आप जो पेपर देने जाएंगे, उन सारे टॉपिक्स के लिए, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो स्टैटिक जीके का वीडियो कवर किया जा रहा बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और एक तो बात ये भी है और दूसरी बात यह है कि ये अपडेटेड है। डेली टू डेली ये वीडियो आपको 25 क्वेश्चंस का कवर कराया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये क्लास आपकी आपको प्रोवाइड होगी डेली टू डेली मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। 8 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी और डेली टू डेली आप इसको देखा करिए, ठीक है। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर इसके सारे PDFs आपको मिल जाया करेंगे। कंटिन्यूसली ये क्लास चलेगी क्योंकि 25 जीके के कह सकते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराए ही कराए जाएंगे, ठीक है। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं और पहले प्रश्न से शुरुआत भी करते हैं, ठीक है। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, पूरे कट पे वेस्ट। चलिए देखिए, ऐसे सवाल बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा पेपर में पूछा जाता है कि जापान की संसद का क्या नाम है, तो इसको आप बेहद इंपॉर्टेंट याद रखिए, डायट, ठीक है। जापान की संसद का नाम है डायट, पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला सवाल आपके पास है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी 2021 की वो थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये इसकी थीम थी। ये 9 जनवरी जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, चूँकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, ठीक है, 1915 में इस 9 जनवरी की डेट को वापस आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 और डेट भी पूछा गया है, तो ये दोनों बातें आप जरूर याद रखें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके पास है झुकी हुई मीनार, तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो कहाँ पे, इटली। तो झुकी हुई मीनार, पीसा, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है झुका हुआ झंडा, ये जो झुका हुआ झंडा है वो किसका प्रतीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, मतलब दुख का प्रतीक है। किसी, मतलब कह सकते हैं बड़े पॉपुलर व्यक्ति के, मतलब मर जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो वो राष्ट्रीय शोक का विषय बन जाता है और उस दिन झंडे को झुका दिया जाता है। अमूमन देखा गया कि प्रेसिडेंट वगैरह या ऐसे प्रधानमंत्री इस चीज़ों को लेकर ऐसा कुछ किया गया, ठीक है, या राष्ट्र पे कोई बहुत बड़ा खतरा पड़ गया हो। अगला सवाल देखते हैं, 5वें नंबर पे विश्व का सबसे कम पानी वाला सागर, ठीक है, सबसे कम पानी वाला सागर कौन है, मृत सागर। मतलब मृत सागर को थोड़ा सा मैंने लाइनें लिखी हुई हैं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। मृत सागर जो है इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, ठीक है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर। यह समुद्र बहुत कम जगह में है, ठीक है, यह अरबी झील के रूप में भी जाना जाता है, तो दोनों बातें आप याद रखें। अगले सवाल की बात करते हैं, आपके पास 6वां नंबर देखिएगा, लिखा सबसे बड़ा स्तनधारी, ये सब हम लोग बचपन के जीके वाली बुक में पढ़ा करते थे कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा जीव है, तो देखिए यहाँ पे वेल मछली है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार ये पेपर में पूछा गया, इसको आप ज़रूर कवर करें, ठीक है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की हैं, और ये पेपर में पूछा गया। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, याद रखिए इस स्टैटिक जीके में आपका हर बेसिक और टफेस्ट और कह सकते हैं हर लेवल को मेंटेन किया गया, जो आप ज़रूर ध्यान देखें इसको। अगला सवाल देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अभी देखिए 2-1 दिन पहले इसका नाम बदला गया और नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही अच्छा लगा ये बदलाव देखकर। साथ ही साथ अगर मोदी जी ने ये भी बदलाव की तरफ पहल किया हुआ था, जो अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, जो कि पहले सरदार पटेल के नाम पर था, उसको इन्होंने अगर इस नाम से अपने नाम पे किया, उसको फिर से सरदार पटेल पे कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब महान व्यक्ति हैं और कह सकते हैं कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छे काम देश के लिए किए हैं। बाकी अभी अपने जीते जी ऐसी चीज़ें तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। चलिए 10वां नंबर देखिए, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई है और 1954 से दिया जा रहा है, ठीक है। गरबा जो, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। आप जानते हैं डांडिया हो या फिर गरबा हो, ये गुजरात में ही सेलिब्रेट किया, कह सकते हैं वहाँ का एक लोक नृत्य है, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, तिरंगे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये अनुपात बहुत बार पेपर में पूछा गया, कई लोग क्या करते हैं 2:3 बता देते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं है, 2:3 नहीं है, 3:2 है, ठीक है। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम किस व्यक्ति से संबंधित है? बहुत बार पेपर में पूछा गया, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन से अवेयर रखिए कि इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि स्टैटिक जीके, मतलब कि मैं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जीके कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो और ये क्वेश्चंस वाकई में सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, आप ज़रूर देखिए। और इसका PDF मैं फिर आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाइए वहाँ से और सारे PDFs देख सकते हैं। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से व्यक्ति से, मतलब वहीं से स्थान से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसका क्या करना है, केवल आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें आप जान रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं, देशबंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास का देशबंधु उपनाम है, ठीक है। उपनाम वगैरह करके भी सवाल पूछे जाते हैं। अगली पुस्तक का एक नाम है किताबुल हिंद, किसने लिखा? तो किताबुल हिंद आपको पता है अलबर्नी ने लिखा है, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा गया कि अलबर्नी की इसमें से पुस्तक कौन सी है, तो किताबुल हिंद है, ठीक है। अगला देखिए, 16 पे है कि हिंदी के चैत्र माह का जो अंग्रेजी माह के समपक्ष में अगर माना जाए तो किस मंथ को कहेंगे? तो हिंदी का जो चैत्र माह को अंग्रेजी माह के समपक्ष में अगर माना जाएगा तो उसको मार्च मंथ कहा जाता है, ठीक है। मार्च के महीने को हम लोग चैत्र का मास बोलते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग और अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला देखिए, 17 पे कि किसान घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह जी से, ठीक है, जिनके नाम से आप देखते हैं 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो किसान घाट किससे संबंधित? चौधरी चरण सिंह। अगला 18 पे देखिए, हवा महल पर्यटन स्थल किस स्थान पर है? तो राजस्थान के जयपुर में है हवा महल, ठीक है। याद रखिए, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप अपने बेसिक और टफ लेवल दोनों को देख ले पा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, बंगाल का शोक किस स्थान को कहा जाता है, ये देखना है। देखिए, तो बंगाल का शोक किस स्थान को कहा जाता है और किस नदी को कहा जाता है, मतलब चाहे आप किसी स्थान को बोलिए या फिर नदी बोलिए, तो दामोदर नदी है, ठीक है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है और किन शासकों ने बनवाया था? बहुत पूछा जाता है एलिफेंटा गुफा कहाँ है, ठीक है, तो ये मुंबई में है। एक बात और जोड़े चलिए कि राष्ट्रकूट शासकों ने इसको बनवाया था, ठीक है। अगला देखिए, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो बहुत ही ईजी सा सवाल है और आपको याद भी होगा कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला देखिएगा, बस एंड हो रहा है ये वीडियो। 22 प्रश्न पे देखिए, भारत का प्रथम जो परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था? तो आपको पता है उसका नाम अप्सरा है, ठीक है, जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका नाम अप्सरा है। 23 पे जो प्रश्न है उसको देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न आपके पास 24 पे कि रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भाई फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं, आप इन सब चीज़ों को देखिए, डेली टू डेली ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित? तो निशानेबाजी से गगन नारंग संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि ये सारे वीडियोस आपको डेली टू डेली मॉर्निंग 8 प्रोवाइड होंगी और 8 आप इस वीडियो को ज़रूर विजिट कर लिया करें, ठीक है। साथ ही साथ आप ये जानते रहिए कि ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा और ये टॉप 25 क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके PET, मतलब आप चाहे PET का एग्ज़ाम देने जाइए, चाहे आप CET का एग्ज़ाम देने जाइए, सारे एग्ज़ामों के लिए यूजफुल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पे नए हैं और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।